सभी नगमे सांस में गाए नहीं जाते, सभी नगमे सांस में गाए नहीं जाते, सभी लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते, सभी लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते, कुछ नज़दीक रहकर भी याद नहीं आते, कुछ नज़दीक रहकर भी याद नहीं आते, और कुछ दूर जाकर भी बुलाए नहीं जाते। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड राधे कृष्णा। राधा रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है एस एच वन ब्लॉगर हिमाचल वाली। और आज है 16 अगस्त एंड टुडे मंडे एंड टाइम हो रहा है आपके 8 बज चुके थे और दिन की शुरुआत हो गई है। तो गाइस, आई होप आप सब लोग अपने जगह पे अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे। और अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल देखते हो तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन को प्रेस करना और ऑल पर क्लिक करना, ताकि आपके पास डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपके लिए ऐसे ही डेली की वीडियो लेके आती हूँ और हमेशा लेके आती रहूँगी। तो चलिए गाइस, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज मंडे है वैसे भी और मेरा फास्ट है, और अब मैं रेडी हो गई स्कूल के लिए। तो गाइस, मैं स्कूल से अभी आ चुकी हूँ और टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं और बहुत पसीना पड़ा हुआ है मेरे को, और मैंने बहुत सारा सामान लिया है, मैं भी दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, आप देख सकते हो मैं दूध लेकर के आई हूँ, दूध ख़त्म हो गया था और मैं दही भी लाई हूँ 1 पैकेट, और 1 माचिस लेके आई हूँ, और ये केले लाई हूँ, और ये जो है 1 पपीता लेकर के आई हूँ। तो अभी काटते हैं इनको, खाते हैं, क्योंकि मेरा व्रत है। तो गाइज, ये पपीता है और इसे हम काट लेते हैं। ये गाइज पपीता हमने काट लिया, काट करके कुछ ऐसा निकला है अंदर से। अब देखते हैं इसका स्वाद कैसा होता है। गाइज, मैंने पपीता तो काट लिया, लेकिन वो इतना बेकार पपीता था, इतना बेकार पपीता था कि 50 रुपये पानी में चले गए। 50 रुपये का था वो, 30 रुपये किलो दिया था उसने, 1.5 किलो था वो, और 5 रुपये बचे थे उसमें से, 50 में से सारा इतना गंदा अंदर से सूखा हुआ। पहली बार ज़िंदगी में मैंने पपीता लिया खाने के लिए और वो भी इतना सूखा हुआ निकला। मतलब जो फ्रूट्स मतलब इसमें उनकी जो देते हैं ना फ्रूट्स वाले, उनकी भी क्या गलती है, उन्होंने उनके अंदर कहाँ जान के देखा हुआ कि कैसा है ना। तो उनको भी दोष नहीं देना चाहिए हमें, चलो क्या कर सकते हैं, 45 रुपये पानी में चले गए। हेलो गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। शाम के जो हैं वो 4 बज रहे हैं और आज जो है सावन का लास्ट सोमवार है और फिर संक्रांत शुरू हो जाएगी। तो संक्रांत में क्या होता है, हमारे हिमाचल में संक्रांत में काला महीना शुरू हो जाता है। तो काला महीना क्या होता है, काले महीने में जो है जो न्यू मैरिड गर्ल्स होती हैं, नई लड़कियां होती हैं जिनकी नई नई शादी होती है, तो वो अपने मायके में रहने के लिए पूरा 1 महीने के लिए जाती है, 1 मंथ के लिए। मतलब वो पूरा 1 महीना जो है वो अपने पेरेंट्स के घर में रहती हैं, तो उसको काला महीना बोला जाता है। तो ये संक्रांत से शुरू होकर के अगली संक्रांत तक होता है। तो आज जो है वो हमारे सामने का लास्ट सोमवार है और मैंने जो है सोमवार का फास्ट रखा हुआ है, आज मेरा लास्ट है। तो हिमाचल का ये रीति रिवाज है ये कि काला महीना होता है। अब पता नहीं जो आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं आपकी साइड में होता है या नहीं होता, लेकिन हमारे हिमाचल में जो है वो काला महीना होता है। इसमें जो है आप पता नहीं अब आप लोगों के यहाँ पे होता है या नहीं होता है, लेकिन हिमाचल में काला महीना होता है, आपकी साइड भी होता होगा शायद। तो इसमें नई शादीशुदा लड़कियाँ जो है वो अपने मायके में पूरा 1 महीना रहने के लिए जाती हैं। तो आप लोगों को धीरे धीरे हिमाचल के सारे रीति रिवाजों से अवगत करवाती रहूँगी। हेलो गाइस, तो शाम के जो है वो 6 बज रहे हैं और मेरे को मार्केट जाना है, क्योंकि मेरे को रक्षाबंधन के लिए राखी लेनी है और हिमाचल भेजनी है। तो मैं जा रही हूँ मार्केट और अभी दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसी राखी लूँगी।
तो गाइस मैं आपको दिखा दूं, मैंने राखियां ले ली हैं, ये राखियां हैं यहाँ पे, और मैंने पैक भी कर ली है, ये पैक हो गई है। और मैं अभी जा रही हूँ पोस्ट ऑफिस में इसको स्पीड पोस्ट करने। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम पहुँच चुके हैं पोस्ट ऑफिस में। तो गाइस मैं आ गई हूँ, रास्ते में चल रही हूँ, बहुत भीड़ थी, मेरा काम हो गया है। देख सकते हो गाइस मार्केट के ये हाल चाल हैं। गाइस मैं रिक्शे में बैठ गई हूँ, ऑटो में देखो ये ऑटो, करके मार्केट से। मैंने रक्षाबंधन जो है उसकी स्पीड पोस्ट की हुई है राखी की, क्योंकि स्पीड पोस्ट से जल्दी चला जाता है ना, तो हिमाचल में जल्दी पहुंच जाएगा। और फिर मैं अभी घर पे आ गई हूँ, बहुत भीड़ लगी हुई थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। आजकल सब लोग राखियाँ भेज रहे हैं ना, तो इसकी वजह से बहुत भीड़ थी। तो मैं अभी आ गई हूँ, थक गई हूँ। तो गाइस मैंने बना ली है रोटी, ये परांठे हैं चीनी की, और ये दही है। तो आप लोग आइए और हम खा लेते हैं। तो गाइस रात के जो हैं 10 बज रहे हैं, और आई थिंक आप लोगों ने भी डिनर कर लिया होगा, मैंने भी कर लिया है। और चलिए फिर कल मिलते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।